Hello students, welcome to Tiger Tutorial. In this video, I'm going to start Unit 2 of Marigold book After a Bath. You can also check out my playlist of Tiger Tutorial where I've uploaded videos of Raindrop Class 1 and Marigold Class 1. So let's start the video. So it's a poem about a bath. After my bath, I try to wipe myself till I'm dry, hands to wipe and fingers and toes and two wet legs and a shiny nose. Just think how much less time I'd take if I were a dog and could shake. तो यहाँ पे बच्चा, यहाँ पे एक जो चाइल्ड है, ये बच्चा अपने आप से बात कर रहा है और ये नहाते हुए अपने आप से बोल रहा है कि काश मैं ऐसी कोशिश करता. ट्राई मतलब क्या होता है, कोशिश करना. To wipe myself, wipe मतलब पोछना, खुद को पोछना. Till I'm dry, जब तक मैं सूख ना जाऊँ. Dry मतलब सूखना, जब तक मैं सूख नहीं जाता तब तक मैं अपने को पोछते रहूँ. Hands to wipe and finger and toes, finger और toes को मैं पोछता रहूँ. And two wet legs, के जो दो गीले, wet मतलब गीला, leg मतलब पैर को पोछता रहूँ. And shiny nose, यहाँ पे मेरे nose है shiny nose, ये चमकदार nose को मैं पोछता रहूँ. Just think how much less time I take, मतलब वो सोचता है, जरा सोचो मैं कितना कम समय लेता अगर मैं क्या होता, अगर मैं डॉग होता, अगर मैं कुत्ता होता. एंड आई वुड शेक. जैसे कुत्ता कैसे शेक करता है, अपना ऐसे से दुम हिला के अपने आप को शेक करता है, वो हिलाता और वो सूख जाता है. उसी प्रकार मैं भी ऐसे ऐसे हिलाता अपने आप को. इस बच्चा बोल रहा है कि मैं भी अपने आप को ऐसे ऐसे हिलाता और मैं अपने आप को साफ कर लेता, मैं अपने आप को सुखा लेता. ये पोएम किसने दिया है, एलन फिशर ने दिया है. किसने दिया है, एलन फिशर ने. तो यहाँ पे न्यू वर्ड्स क्या है, डॉग मतलब कुत्ता, हाउ मतलब कैसे, मेट मतलब मिलना, ट्राई मतलब कोशिश करना, टू मतलब टू काउंटिंग वाली टू, वन टू. सो लेट्स रीड. आई ट्राई टू सेव वाटर, मैं क्या करता हूँ, मैं पानी बचाने की कोशिश करता हूँ. आई हैव टू ईयर्स, मेरे पास वन टू ईयर्स है. आई हैव टू लेग्स, टू लेग्स. आई हैव टेन टोज एंड वन नोज. आई हैव वन नोज एंड टेन टोज. सो लेट्स टॉक. डू यू लाइक टू हैव अ बाथ? Yes, you should like to bath because it keeps us hygienic and we get cleaned up. So if you like it, say your reason. And can you bathe yourself? So if you can't, then you must learn to bathe because you have now grown up child and you should learn how to take a bath. How do you dry yourself? By wiping from towel. We use towel to wipe ourselves. Have you seen an animal drying itself? So yes, of course you have seen. If you haven't seen, then you must see. You have seen dog, cat, when they get wet, they shake themselves and they get dry. So let's share. Put a dash around what you do after a bath. Put a towel around what do you after a bath. Throw the wet towel on the floor. Hang the wet towel to dry. तो इसमें बोल रहा है कि पहले हम जब बात के बाद तौलिया लपेटते हैं, फिर उस गीले थ्रो द टाल ऑन द फ्लोर, उस टाल को हम क्या जमीन पे छोड़ देते हैं और उस टाल को हम फिर क्या करते हैं, सुखाते हैं. डू यू वेयर दीज थिंग्स? ड्रॉ लाइन्स फ्रॉम द पिक्चर्स टू द वर्ड. आई हैव टीथ सो शार्प बट आई नेवर बाइट. व्हाट एम आई? टेल मी स्टूडेंट, what is it? I have a sharp teeth. I have teeth so sharp but I never bite. It's a comb. एक कंघी की बहुत sharp दांत होती है, लेकिन वो कभी आपको नुकसान पहुंचाती है? नहीं, वो हमें बाल झाड़ने के काम आती है. So draw lines from pictures to the word. Shirt कहाँ है? This is shirt. Socks, this is sock. Cap, this is cap. Trouser, this is trouser. Belt, this is belt. Shoes, this is shoes. Okay student, then match the following to make pairs. One has been done for you. So needle is for thread. Needle ko sui ko hum kis se
हम अपने कपड़ों की सिलाई किस चीज से करते, सुई और धागे के साथ करते हैं। और हम अगर क्रिकेट खेलने जाते हैं तो किससे खेलते, बैट के साथ और बॉल के साथ। सॉक्स, जब हम जूते पहनते हैं तो उसके साथ हमें क्या पहनना होता, उसके साथ हमें मोजे यानी सॉक्स पहनना होता। शर्ट, शर्ट के साथ हम क्या पहनते हैं, शॉर्ट्स पहनते हैं। बोल के साथ स्पून, जब हम खाते कुछ भी खाना खाते, मैगी खाते हैं, फ्रूट्स खाते हैं, खीर खाते हैं, तो उसके साथ हमें क्या, एक बोल के साथ, एक कटोरी के साथ एक स्पून भी होता है। नाउ ड्रॉ और स्टिक अ पिक्चर ऑफ योर सेल्फ एंड योर फ्रेंड हेयर एंड कम्प्लीट द सेंटेंस एंड से देव अलाउड। माई नेम इज, सो राइट योर नेम लाइक माई नेम इज अभिलाषा एंड हेयर यू हैव टू राइट माई फ्रेंड्स नेम लाइक माई फ्रेंड्स नेम इज जया प्रिया। So you write here my friend name is Jaya Priya or whatever friend you have, you write his or her name. Now trace the path. This is a butterfly and you have to like this. It is little bit difficult to draw with this digital pen, but one demo I'll do for it for you. So this is this flower, and now this flower, this honeybee, this butterfly. You'll trace the path, and this also honeybee, you'll trace the path with your pencil. Now you have to learn to write. What you have to learn to write? You have to learn to write E and F. Now take over the waves and trace over the waves and color the fish. You have to trace this path, zigzag path. You have to trace this zigzag path. I'm unable to trace this with digital pen, but you have to trace this. You have to trace this path and you have to color this fish, and you also have to trace this waves also. This down waves also, you have to trace. Student, click on the I button also to check out my marigold playlist also. You have also to write U, V and W. Say aloud with me, A, B, C, D, E, F. So that's it for today, student. Hope you liked the video. Give it a thumbs up and do subscribe to our channel and press the bell button. On this channel, I upload videos of science, social studies and English from class 1 to 5. Thank you, student. If you have any queries, feel free to comment in the comment box. And if you have any suggestion, your suggestion is always welcome, and please get us contact through your comment box. Thank you, students. Bye-bye.